लोकसभा चुनाव 2024 के समाप्त होते ही यूपी में योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान कई आईएएस पीसीएस इधर से उधर हुए हैं। दरअसल योगी सरकार ने रातों रात 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। साथ ही देर रात इन अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट भी जारी कर दी गई। जारी लिस्ट के अनुसार लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को हटाया गया है। वहीं बरेली जोन से ससुर दामाद की जोड़ी भी अलग कर दी गई। पुलिस आयुक्त एसपी सिरोडकर को अब लखनऊ का अपर पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। ससुर जी को लखनऊ वापस आने के आदेश हुए हैं, हालांकि उनके दामाद अभी बरेली में ही रहेंगे। लखनऊ सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी अमरेंद्र सिंह सेंगर को लखनऊ का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। सेंगर इससे पहले एडीजी लखनऊ जोन थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में हुए चुनाव में उनके जोन की 14 सीटों में बीजेपी कुल 11 सीटों पर हार गई थी। वहीं इलाहाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को जो हार मिली, इसके मद्देनजर पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा का तबादला कर दिया गया। अब उनको नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें एडीजी बरेली जोन से नवाजा गया है। बता दें, लखनऊ में पुलिस मुख्यालय से भी कई बड़े अफसरों को लूप लाइन में पड़े रहने के बाद भी बेदखल किया गया है। शनिवार रात जो आदेश जारी हुए, उसके मुताबिक विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम यूपी बनाए गए हैं। प्रकाश डी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बनाए गए हैं। जय नारायण सिंह एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाए गए हैं। एडीजी सीबीसीआईडी यूपी के रूप में एलवी एंटनी देव का नाम पर मुहर लगी है। वहीं इसी के साथ रघुवीर लाल को एडीजी एसएसएफ के साथ एडीजी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। के सत्यनारायण अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बने। बीडी पॉलसन अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाए गए हैं। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।